कमला पुराने ख्यालातों की थी, जो अपनी बहू शिल्पा को हमेशा घूंघट करने, ससुर के पास खड़े होने, उनसे बात करने जैसी चीजों से रोका टोका करती रहती थी, जिसे बताने का अंदाज ही खासी कर के बताना था कि बहू घूंघट कर ले, तेरा ससुर आ गया है। एक रोज शिल्पा पोछा लगा रही थी कि तभी उसका जेठ महेश आ जाता है और पास में कमला बैठी हुई थी, जो अपनी बहू के सर पर घूंघट ना देखकर अपनी बहू से खांसते हुए कहती है, बहू जरा किचन में चले जा, महेश आया है, उसे अपने कमरे में जाना है। ये सुनकर शिल्पा घूंघट करती हुई किचन में चली जाती है और अपने जेठ के जाने के बाद फिर से हॉल में पोछा लगाने लगती है। तभी कमला अपनी बहू से कहती है, बहू जब भी मैं ऐसे खांसूं तो समझ जाइयो कि तेरा ससुर या जेठ आया है। माँ जी ऐसा क्यों? पापा जी और जेठ जी ज्यादा गुस्से वाले हैं क्या? नहीं बहू, वो तुझसे बड़े हैं तो घूंघट में तो रहना ही पड़ेगा ना। ये देखकर उसकी सास ने खासा, वैसे ही शिल्पा घूंघट करती है। तभी उसके साड़ी के पल्लू में आग लग जाती है, जिसे देखकर शिल्पा चिल्लाने लगती है और अपना घूंघट हटा लेती है। और ये देखकर कमला अपनी बहू से कहती है, बहू जरा साइड हो जा। ये बोलकर शिल्पा अपनी साड़ी में लगी हुई आग को बुझाती है, जो कि बहुत कम थी। लेकिन ये देखकर कमला को बहुत बुरा लगता है कि उसकी बहू ने अपने जेठ के सामने अपना घूंघट हटा लिया, जिस पर वो अपनी बहू से कहती है, बहू ये तो क्या कर रही है, तुझे अपने कमरे में जाकर अपना घूंघट हटाना था ना। माँ जी आपने तो हद कर दी है, मेरे कपड़े में आग लगी हुई थी और आप कह रही थी ये आग लेकर मैं अपने कमरे में जाऊं और आराम से अपना घूंघट हटाऊं। जिस पर वो अपनी बहू से कहती है, बहू आज तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि तेरे घूंघट में आग लग गई थी जल्दबाजी में, लेकिन आगे से ध्यान रहे, अपने ससुर और जेठ के सामने ऐसा दोबारा ना हो। किसी दिन माँ जी अपनी खांसने की आदत की वजह से और अपने पुराने ख्यालातों की वजह से ना मुझे मरवाएंगी। लेकिन हर वक्त अपनी बहू पर नजर रखने वाली कमला पूरे दिन में अपने बड़े बेटे और अपने पति को देखकर अपनी बहू शिल्पा को घूंघट करवाने के लिए 100 बार से ज्यादा खांसती रहती थी। एक रोज शिल्पा अपनी सास के साथ कपड़े डालने छत पर जाती है, तभी पास की छत से कांता शिल्पा को देख रही थी। ये देखकर कमला खांसते हुए अपनी बहू को इशारा करती है और शिल्पा भी जल्दी से बिना कुछ कहे घूंघट कर लेती है और नीचे जाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी ऊपर तो पापा जी भी नहीं थे ना ही भाई साहब, तो आपने क्यों खास कर घूंघट करवाया? अरे बहू ऊपर कांता थी जो गौर से तुझे देखे जा रही थी, उसकी नजरें ठीक नहीं है। माँ जी अभी मैं गिरते गिरते बची हूँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। बहू मैंने कहा ना मेरे इशारों को समझा कर, हर बात में अपनी चलाने की जरूरत नहीं है तुझे। देर रात करीब 12 बजे शिल्पा अपने पति मोहित से बातें कर रही थी, तभी कमला की तेज खांसने की आवाज़ सुनकर शिल्पा बेड से उठकर एक साइड खड़ी हो जाती है और ये देखकर उसका पति मोहित कहता है, मैंने तो भी कुछ किया भी नहीं, तुम ऐसे क्यों भागी? माँ जी की खांसने की आवाज़ से मैं खड़ी हुई, जरूर पापा जी या भाई साहब आ रहे होंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? डोर बंद है, भला कोई कैसे आ सकता है? ओ हाँ मैं भी ना, लगता है माँ जी के खांसने की आदत मुझे नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह शिल्पा पूजा कर रही थी और पूजा करने के बाद जैसे ही वो अपनी सास के पास आरती लिए जाती है, वैसे ही कमला देखती है कि उसका पति किशोर भी आरती लेने के लिए आ रहा है। ये देखकर कमला खांसने लगती है, तभी शिल्पा घूंघट कर लेती है और जैसे ही शिल्पा घूंघट करती है वैसे ही आरती की थाल कमला के ऊपर गिर जाती है और कमला की साड़ी में आग लग जाती है, जिसे देखकर कमला अपनी बहू से कहती है, बहू तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, तेरा मैं क्या ही करूं। इस बार भी एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है क्योंकि आरती की थाल पलट जाती है, जिससे कमला की साड़ी तो जलती है लेकिन बहुत कम। इस बार तो शिल्पा अपनी सास के इस खांसने से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि जैसे ही वो खांसती वैसे ही कुछ ना कुछ हो जाता। एक रोज कांता शिल्पा के घर चीनी मांगने के बहाने से आती है और शिल्पा को देखकर कहती है, बहू तेरी सास कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? नहीं आंटी जी, माँ जी नहीं है, वो मार्केट गई हुई है, आपको कुछ काम था क्या? नहीं बहू, तेरी सास होती है तो तुझसे बात ही कहाँ हो पाती है। जी आंटी जी, काम ही इतना होता है
और कहीं आना जाना भी नहीं होता तो हमारी बातें भी कम होती हैं। बहू मुझे थोड़ी चीनी दे दे, चाय बनानी है, चीनी खत्म हो चुकी है। जी आंटी जी, अभी देती हूँ। जैसे ही शिल्पा चीनी देने लगती है वैसे ही कांता शिल्पा से कहती है, बहू तुझसे एक बात पूछनी थी। हाँ आंटी जी, क्या बात है? मैंने सुना है तेरी सास को टीवी की बीमारी है। क्या माँ जी को टीवी जैसी लाइलाज बीमारी हो गई है और माँ जी ने किसी को बताया भी नहीं? अच्छा, कहीं वो छुपा रही होगी ये सबसे बात। अच्छा किया आंटी आपने बता दिया, मैं घर में सबको बताती हूँ कि माँ जी को टीवी हो गया है। उसका जल्दी से जल्दी इलाज करवा वरना उसको कुछ हो ना जाए। कुछ देर बाद कमला घर आती है और शिल्पा को आवाज लगाकर पानी मांगती है। वैसे ही शिल्पा अपनी सास से चिढ़ते हुए उसको देखकर कहती है, माँ जी मुझे पता है आपको क्या हो रहा है। तो पानी लाना, तुझे पता तो है। ये देखकर कि उसकी सास की सांस चढ़ रही है, शिल्पा अपने पति को कॉल करती है और सब बता देती है। तभी कुछ समय बाद मोहित घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ आपको पता है सब आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको कुछ हो रहा है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है? तुझे क्या हुआ, ऐसी बहकी हुई बातें क्यों कर रहा है तू? माँ आपको पता है ना, आपसे सभी बहुत प्यार करते हैं और अगर आप हमसे कुछ छुपा रही हो तो प्लीज हमें बता दीजिए। बेटा मैं एकदम ठीक हूँ, तू टेंशन ना ले। लेकिन सबको जब ये पता चलता है कि कमला को टीबी हो गई है तो हर कोई कमला से दूर रहने लगा था। यहाँ तक कि कमला के बर्तन भी अलग करवा दिए गए थे। एक रोज कमला अपने बड़े बेटे महेश को कहती है, महेश सुन, तुझसे कुछ सामान मंगवाना था, तू मार्केट ही जा रहा है ना? तभी दूसरी साइड से शिल्पा को देखकर कमला खांसने लगती है और महेश सोचता है कि माँ का टीवी फिर उखड़ आया है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ मैं बाद में मिलता हूँ, मुझे अभी कहीं जाना है। ना जाने सबको क्या हो गया, हर कोई मुझसे दूर दूर रहने लगा। आखिर ना जाने लोग मुझसे दूर रहने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद कमला कांता के पास बातें करने जाती है। वैसे ही कांता कमला से कहती है, कमला तू थोड़ा दूर रहकर ही बात कर। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो तू ऐसे बोल रही है? क्यों मजाक कर रही है, टीवी है ना तुझे, तू तो बाहर भी क्यों निकल रही है, अपने साथ सबको बीमार करेगी क्या? राम राम राम, मुझे और टीवी तुझे किसने कह दिया? मुझे तो विमला बता रही थी कि कमला को टीवी है, रात भर खांसती रहती है। उस विमला की बच्ची को और कुछ नहीं सूझा जो उसने मुझे टीवी का मरीज बना दिया। बता, इसलिए मैं तेरे घर भी नहीं आ रही थी कि तू बीमार है, मैं कहाँ तुझसे मिलने आऊँ। कमला ये सुनकर अपने घर आती है और अपनी बहू से कहती है, अच्छा बहू तो तुझे भी लगा कि मुझे टीवी की बीमारी हो गई है, बल्कि तेरी वजह से मुझे ये खांसने की आदत पड़ी है, इसने तो मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया है। तो माँ जी आपको कोई टीवी नहीं है? ना बहू ना, ना जाने ये विमला और कांता ने क्या क्या कहा होगा सबसे। इस तरह सास के खांसने की आदत ने उसे पूरे मोहल्ले में टीवी का मरीज बना दिया था।